नमस्कार, हिमतक पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए जनवरी 2019 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दांडी को नमक सत्याग्रह नमक स्मारक का उद्घाटन किया, ये कब कहाँ किया है वो देख लीजिएगा आप। तो ये प्रधानमंत्री ने दांडी राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया है, ये किया है। सूरत और दांडी का दौरा किया था उन्होंने, हवाई अड्डे के विस्तार को परियोजना को मंजूरी दी। और उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि कैद में रखे हाथियों का पहला सर्वेक्षण जारी किया गया, तो देश में कुल हाथी है 2454 हाथी जो अभी तक कैद में, जिनमें से 58% जो असम और 905 केरला में, और देश भर में बंधक बनाए गए हाथियों को आधे से ज़्यादा सिर्फ केरला और असम में। तो भारत में हाथियों को बंधक बनाकर रखे जाने के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है आज का आपके लिए करंट अफेयर का, तो उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने विश्व के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेस वे को के निर्माण हेतु मंजूरी दी है। तो क्वेश्चन आपको ये भी आ सकता है कि ये गंगा एक्सप्रेस वे कहाँ बनेगा, तो ये उत्तर प्रदेश में बनेगा। और इसको बनाने का जो फैसला है अभी 29 जनवरी 2019 को प्रयागराज में चल रहे कुंभ मेले के दौरान कैबिनेट बैठक में आयोजित इस बैठक का निर्णय लिया गया, और ये दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे होगा। अगला जो क्वेश्चन है कि चित्रा मंडल सहित 24 लेखकों को साहित्यकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका चित्रा मंडल सहित 24 लेखकों को 29 जनवरी 2019 को राष्ट्र साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो अकादमी के अध्यक्ष एवं कंडर के प्रख्यात नाटककार चंद्रशेखर कंबार ने इन लेखकों को वर्ष 2018 के लिए पुरस्कार दिए गए। तो पुरस्कार में क्या क्या दिया जाता है वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस का निधन, तो भारत के पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस जो थे इनका निधन हो गया है, ये दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में, और ये इनकी एज 88 के थे ये। और ये वाजपेयी सरकार के दौरान जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उसमें ये रक्षा मंत्री रहे थे। अंतिम बार 2009 से 2010 के बीच राज्यसभा के सांसद रहे थे ये जॉर्ज फर्नांडिस। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से पार्टी के थे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन था, WHO ने 2019 में सेहत के 10 संभावित खतरों की सूची जारी की है, तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 10 उन बीमारियों को खतरे की सूची में जारी की है 2019 में दुनिया की संभावित स्वास्थ्य संकट में डाल सकती है, तो ये जानकारी जो दी गई है। तो बीमारियाँ कौन कौन सी है जिनके लिए ये निपटना चाहते वो आपकी स्क्रीन पर आ रही है। अब जो अगला था कि पद्म पुरस्कार ये 2019 घोषित जाने, तो कादर खान समेत पूरी सूची जो है तो इसमें 112 व्यक्तियों को ये पद्मसार दिए जाने की घोषणा की थी, 4 को पद्म विभूषण, 14 को भूषण, 94 को पद्मश्री सम्मान दिए गए हैं। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि कितने पद्मश्री, कितने पद्म विभूषण और कितने ये पद्म विभूषण दिए गए हैं। तो बाकी जो है इस प्रकार से सम्मानित किए जाने वाले समाज के सभी वर्गों से गृह मंत्रालय की ओर से दी गई आधिकारिक सूचनाओं के मुताबिक कादर खान ये और कुलदीप नैयर, क्रिकेटर गौतम गंभीर, वरिष्ठ अधिवक्ता HS फुलका, वैज्ञानिक नवीन नारायण, पर्वतरोही बिछेंद्र पाल और दक्षिण के अभिनेता मोहनलाल समेत 112 हस्तियों को पद्मश्री अवार्ड दिए गए। तो स्क्रीन शॉट आप लेते जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 जोकोविच ने रिकॉर्ड 7वीं बार जीता खिताब, तो ये खिताब जो है मेलबर्न में खेले गए जाने वाले 4 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगियों में से एक है। इसमें 9 बार जोकोविच ने इतिहास रचते हुए रिकॉर्ड बार बनाया है, 7वीं बार इन्होंने खिताब जीता है। तो विश्व के नंबर एक खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट चैंपियनशिप में एक तरफा फाइनल मैच में ये राफेल नडाल को सीधे 6-3, 6-2, 6-3 से हराया है। अगला क्वेश्चन था, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेंद्र हजारी को भारत रत्न दिए गए, तो राष्ट्रपति भवन की ओर से 25 जनवरी 2019 को एक बयान में कहा गया है, घोषणा जारी की गई है, तो इन तीन हस्तियों को 2019 में ये भारत रत्न दिए गए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होगा, तो नानाजी देशमुख, भूपेंद्र हजारिया,
तो प्रणब मुखर्जी को आप जानते हो कि ये नाना जी देशमुख और भूपेंद्र हजारिका कौन है, पूरी जानकारी आपकी उस पर स्क्रीन पर आ रही है। और मुश्वित गीतकार है ये भूपेंद्र हजारिका और आरएसएस से जुड़े नेता समाज से भी नाना जी देशमुख को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। हेलो क्वेश्चन है, चेन्नई में सौर ऊर्जा और जल उपचार प्रौद्योगिकी मिश्रण केंद्रों की शुरुआत का शुभारंभ किया गया। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी पृथ्वी विज्ञान परिवर्तन और जलवायु परिवर्तन हेतु डॉक्टर हर्षवर्धन ने 25 जनवरी 2019 को चेन्नई में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ये स्थापित प्रमुख शुभारंभ किया। इसका जो ऊर्जा और जलचर औद्योगिकी मिशन है इसका उद्घाटन इन्होंने शिलान्यास किया। अगला जो है कि वेनेजुएला संकट विश्व में उभरती नई समस्याएं, तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो द्वारा एक अमेरिकी के साथ राजनीतिक संबंध समाप्त किए जाने की घोषणा की गई है और इस घोषणा के बाद वेनेजुएला का राजनीतिक संकट एक बार फिर चर्चा में आया। पूरी जानकारी जो हिंदी में आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है वेनेजुएला के राष्ट्रपति कौन है, तो यह है निकोलस मादुरो। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने छात्रों द्वारा तैयार कलाम सेट और इमेजिंग सैटेलाइट माइक्रोसॉफ्ट आर लॉन्च किया, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 24 फरवरी 2019 को विश्व के सबसे छोटे सैटेलाइट कलाम सेट को लॉन्च किया है। तो ये पोलर सैटेलाइट सहित बिकर जो है PSLV C-44 के द्वारा क्लाइम सेट और माइक्रो सैटार को श्रीहरिकोटा से ये श्री धर्म स्पेस सेंटर से लॉन्च किया है इसको। अगला जो क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले में नेताजी सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय का उद्घाटन किया, तो लाल किले में ये एक म्यूजियम बना है सुभाष चंद्र बोस। तो 122वीं जयंती के अवसर पर 23 जनवरी 2019 को ये राजधानी दिल्ली में लाल किले में सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने याद ए जलिया संग्रह, मोस्ट इम्पोर्टेंट है याद ए जलिया संग्रह, जलिया बाग का प्रथम विश्व युद्ध पर संग्रहालय, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और इसके लिए साथ भारतीय कला में दृश्य कला संग्रहालय का भी उद्घाटन किया, तो महत्वपूर्ण है ये आपके लिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए और किस किस को दिए इन पुरस्कारों में नवाचार से के खेल कला संस्कृति समाज और ये बहादुरी सैनी के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिए गए, तो जिसे अब बाल शक्ति पुरस्कार नाम दिया गया। तो जो ये अवार्ड दिए गए इन्हें अब बाल शक्ति पुरस्कार दिया गया है, नाम दिया गया इसको। विराट कोहली ICC अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ वनडे और टेस्ट खिलाड़ी के साथ 2018 के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट घोषित। तो बाकी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ लीजिएगा, परंतु जो टाइटल है इसका मेन है आपके लिए विश्व आर्थिक मंच 2019 दावोस में आयोजित और इसमें क्या क्या हुआ। 17 साल से लगातार दावोस विश्व आर्थिक सम्मेलन होते आ रहे हैं। दावोस में मुख्य सत्र के बाहर ओपन फोरम में जैन गुड्स भी हिस्सा लेंगी। भारत के 1% लोगों के पास 50 आबादी के बराबर संपत्ति है, ऑक्सफैम रिपोर्ट। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका आजकल ये कि भारत में जो 1% लोग हैं, मीन्स कि एक तिहाई 125 करोड़ में से जो 1% लोग हैं उनके पास पूरी देश का 50% पैसा है, तो वो पूरी जानकारी आपकी स्क्रीन पर आ रही है, इसको आप देख लीजिएगा। तो एक्सपर्ट ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि विश्व भर में आर्थिक की सूची में पिछले वर्ष 12% 2.5 अरब डॉलर की प्रतिदिन की वृद्धि दर्ज की गई है। और बनारसी में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया, ये तो प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहाँ किया गया ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये प्रवासी भारतीय दिवस का 15वां संस्करण 21 जनवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ और क्या क्या हुआ इसमें कौन कौन थे वो आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। अब जो मेन है आपके लिए कि इसरो ने सीमा सुरक्षा के लिए विशेष उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है, तो इसरो ने ये घोषणा की है कि वे गृह मंत्रालय के लिए एक विशेष उपग्रह प्रक्षेपित करेगा। उपग्रह का उद्देश्य पाकिस्तान बांग्लादेश और अन्य देशों के छठी भारत की सीमा मजबूत बनाना है और गृह मंत्रालय द्वारा एक आधिकारिक बयान में इसकी जानकारी देगी। तो ये
सेना के लिए एक विशेष उपग्रह का निर्माण करेगा इसरो। अगला क्वेश्चन है महत्वपूर्ण आपका कि विश्व का पहला मानवाधिकार को समर्पित टीवी चैनल लंदन में आरंभ किया गया, तो इंटरनेशनल ऑब्जर्वेटरी ऑफ ह्यूमन राइट्स IOHR विश्व द्वारा विश्व में पहली बार मानवाधिकार को समर्पित टीवी चैनल आरंभ किया गया। ये चैनल लंदन में स्थित ऑफिस में आरंभ किए गए। मानवाधिकार को समर्पित ये टीवी चैनल वेब आधारित होगा, लेकिन ये यूरोप, लैटिन अमेरिका और मध्य पूर्व समेत 20 देशों के लोगों के लिए मानवाधिकार के संबंधित मुद्दों पर कार्यक्रम प्रसारण करेगा। और जो इसकी वेबसाइट है ब्रॉडकास्टिंग की, जो netgem.tv प्लेटफॉर्म से आप इसको देख सकते हैं। केंद्र सरकार ने 2015 से 18 गांधी शांति पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की, इसको ये पुरस्कार दिए गए, तो पूरी जानकारी आपके स्क्रीन पर आ रही है। तो नरेंद्र मोदी भारत के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई लोकसभा स्पीकर और इसमें जो मुख्य विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे लालकृष्ण आडवाणी शामिल रहे थे इसमें जब इसकी घोषणा की गई थी। चीन ने चांद पर कपास उगाने की सफलता हासिल की। तो आज का अगला क्वेश्चन था, चीन द्वारा चांद पर भेजे गए रोवर चांग E4 द्वारा कपास के बीज अंकुरित करने में सफलता हासिल की गई है। चीन का दावा है कि इससे रोवर चांग E4 लगाए गए प्रयोगात्मक बॉक्स में ये सफल प्रयोग किया गया है। गौरतलब है कि पहला मौका है जब मनुष्य ने चांद पर कोई पौधा उगाया है। तो कौन सा पौधा उगाया है? ये कपास का, बिल्कुल सही है, ये कपास को चाइना ने उगा दिया। और ये जो आर्टिफिशियल चांद हो गया, आर्टिफिशियल सूरज या मून जो सन है, वो ये चाइना पहले ही इसको बना चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलिप कोटलर पुरस्कार से सम्मानित। तो पुरस्कार में प्रशस्ति पत्र में कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी का चयन देश के उत्कृष्ट नेतृत्व प्रदान करने के लिए किया गया। ऊर्जा के साथ भारत के लिए उनकी निस्वार्थ सेवा की वजह से देश में बेहतरीन आर्थिक सामाजिक विकास किया गया है। और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की पहचान अब नवाचार, मूल्यवर्धित और विनिर्माण के मेक इन इंडिया के साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी लेखन जैसे के रूप में हुई है। सिक्किम के मुख्यमंत्री ने एक परिवार एक नौकरी योजना आरम्भ की, और इस पर हम आपको अलग से वीडियो बनाएंगे, आप चाहे जिस भी स्टेट की हो। तो सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग ये सबसे अधिक मुख्यमंत्री का बनने वाले व्यक्ति भी है। तो एक नौकरी एक योजना का आरंभ किया गया इनके द्वारा, तो राज्य विधानसभा में इसके दौरान की गई थी। एक परिवार एक नौकरी के तहत सरकारी नौकरी जिम्मेवार कार्मिक विभाग को दी गई है। तो जो नौकरी है वो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल को दी गई है ये सिक्किम में। गुजरात आर्थिक रूप से पिछड़े सुवर्णों को 10% आरक्षण देने वाला पहला राज्य बना, ये आप देख लीजिए। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी द्वारा शिक्षा और रोजगार गरीब सर्व को 10% आरक्षण देने को 14 जनवरी 2019 को ये निर्णय लिया गया कि केंद्र सरकार इसने अधिसूचना भी जारी कर दी है। बाकी जो है वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। मिशिगन गगनयान दिसंबर 2021 तक लॉन्च करेगा इसरो। तो भारतीय इसरो ने मिशन गगनयान को दिसंबर 2021 में लॉन्च करने की घोषणा की है, और क्या होगा इसमें पूरी जानकारी आपकी स्क्रीन पर आ रही है। और अगला क्वेश्चन था, मैरी कॉम दुनिया की नंबर एक महिला मुक्केबाज बनी IBA की है। तो भारत की प्रसिद्ध महिला मुक्केबाज मैरी कॉम दुनिया की नंबर वन मुक्केबाज बन गई है, और अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज संघ तो इसके द्वारा ये जारी की गई रैंकिंग। आईआईटी मद्रास ने प्रयोगशाला में स्पेस फ्यूल तैयार किया है। तो आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं द्वारा प्रयोगशाला में स्पेस फ्यूल तैयार करने की एक सफलता हासिल की गई। शोधकर्ताओं का कहना कि ये फ्यूल अंतरिक्षीय परिस्थितियों में सिमुलेट करके प्रयोगशाला में बनाया गया। तो पूरी जानकारी आपकी स्क्रीन पर आ रही है। तो आईटीआई मद्रास ये बिल्कुल सही है इसका, ये स्पेस फ्यूल। नासा के सैटेलाइट टेस्ट ने पृथ्वी से 3 गुना बड़ा ग्रह खोजा। तो नासा के सैटेलाइट ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट ने सौरमंडल के बाहर एक नए ग्रह की खोज की है,
और ये खोजा गया कि ये तीसरा ग्रह विज्ञानों को माना कि धरती बाहर जीवन तलाशने की संभावनाओं की दिशा में ये एक बड़ी उपलब्धि है। तो नासा के जो ये टेस्ट है इसके द्वारा ये सबसे जो पृथ्वी के 3 गुना बड़े ग्रह को खोजा गया है। और अगला क्वेश्चन था, एलपीयू में टाइम कैप्सूल को अगले 100 वर्ष के लिए जमीन में दबाया गया। तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जलंधर में आयोजित 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस के इसराइल के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित विज्ञान एब्राहम हर्ट्ज़्को का अमेरिका के वैज्ञानिक और 4 जनवरी 2019 को वर्तमान टेक्नोलॉजी और भारतीय वैज्ञानिक कौशल का प्रदर्शित करने वाले को ये दिलवाया गया है। तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें अगर आपको जानकारी चाहिए इस प्रकार की। तो ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बने रहिएगा हमारे साथ इस चैनल पर। वीडियो को आप लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हम अगला पार्ट इसका फरवरी 2019 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आपको दे सके। तो आज के लिए इतने, नमस्कार।